हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि चंद्र राणा। मैं दोस्तों एक यूट्यूबर हूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है क्विक फिक्स इंडिया के नाम से, जिसके अंदर आपको ऑटोमोबाइल रिलेटेड काफी वीडियोस देखने मिलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मैनेटेक के टायर में टीपीएमएस सिस्टम के बारे में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है और एक 12 महीने के वारंटी के साथ में आता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों टायर मेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसे दोस्तों मैन्युफैक्चर किया है मैनेटेक कंपनी ने पौंडेचेरी में। कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ऐसा एक खूबसूरत सा डिस्प्ले जो इसके साथ में आता है अंदर में। टायर मेट में दोस्तों चार सेंसर आते हैं जो इनबिल्ट लगते हैं यहाँ पे चारों जगह पे। डिस्प्ले जो आगे बताया था वो डिस्प्ले है उसका, जिसके अंदर आप उसका रीडिंग देख सकते हो टायर प्रेशर का। दोस्तों अभी ये टायर मेट के खूबसूरत से बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर सारे सेंसर्स है। दोस्तों ये जो है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसका अभी हमें कुछ काम नहीं है। चार सेंसर दोस्तों यहाँ पे है, तो खूबसूरत सा डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको एयर प्रेशर का रीडिंग मिलेगा। यहाँ पे देखो ये स्विच ऑन हो चुका है अभी। बॉक्स के अंदर दोस्तों ये कॉर्ड भी आता है जो आपको हेल्प करता है डिस्प्ले को चार्ज करने। ये एक चार्जर सॉकेट है जो आपके कार के चार्जर में लगता है। पावर केबल, पावर सॉकेट, ये डिस्प्ले है और ये चारों सेंसर है। दोस्तों ये जो सेंसर है ये टायर के अंदर से माउंट होता है और इसका जो कौन सा पोजिशन पे ये माउंट होगा ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेंसर पे लिखी होती है। आप यहाँ देख सकते हो बी ये फ्रंट राइट का है, सी जो देख सकते हो वो रियर लेफ्ट का है और डी जो है ये रियर राइट का है। जो पोजीशन दिया है दोस्तों इस वॉल्स का उस हिसाब से हम उसको इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों ये जो है ये सोलर चार्जर है जहाँ से आपका बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पे पैनल आप देख सकते हो ये ऑन है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन का बटन यहाँ पे है। इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इसे होल्ड करके रखेंगे दोस्तों तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। यूज़ करने के पहले दोस्तों 4 घंटा आपको यूनिट को चार्ज करना होता है। इनकेस ऑफ इमरजेंसी आपको चार्ज करना है तो आप उसको पावर सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हो जो ये है। दोस्तों अभी इसको फिट करते हैं, अभी कैसे फिट करना है ये आपको दिखाता हूँ। ये जो टीपीएमएस है दोस्तों ये इनबिल्ट टीपीएमएस है जिससे चोरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले टायर खोलना होगा, जो पुराने वॉल है उसको निकाल के वहाँ पे इसको माउंट करना होगा। ये जो एग्जिस्टिंग वॉल है यहाँ से पहले इसको कट करना होगा। तो ये ए नंबर का है, ये यहाँ से निकाला हुआ है हमने फ्रंट लेफ्ट का, तो ए नंबर यहाँ पे लगेगा। पहले दोस्तों इसका कैप निकाल देना है आपको, फिर इसको खोलना है। ये जो चीज़ है ये अंदर से यहाँ से जाएंगी, इसके अंदर से राउंड होगा और इसको ऊपर से ज़्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका जो वॉल है वो टूट सकता है। हाथ से ही टाइट करना है उसको। जो टी स्पैनर है दोस्तों 12 नंबर का जिससे हम लोगों ने इसको टाइट किया है। पे सोप वाटर लगाना काफी अच्छा रहता है। यदि आप टायर खोलते हो तो यहाँ पे आपका वॉल के यहाँ पे हमेशा चौक मार के रख दो तो आपको पता रहेगा कि ये जो पार्ट था ये वॉल के पास रहेगा और उसे हम लोग फिर से वॉल के पास ही रखेंगे। इसमें हम लोग हवा भर देंगे। वाटर डाल के हमने चेक कर लिया कि कोई लीकेज तो नहीं है, अगर लीकेज होता है तो थोड़ा उसको टाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वॉल के यहाँ पे प्रेस करके जो वहाँ पे गैप हो जाएगा, ये जो वॉल का जो जगह दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको ये इसको वॉल को यहाँ पे हम लोग काट देंगे। जो बीट प्रेस का पेंडल है वो हमेशा पकड़ के रखना होता है आपको और साइड बाय साइड यहाँ पे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। हाथ से ही टाइट करना है टी पाने से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे फिटिंग हो चुका है, प्रॉपर यहाँ पे फिट हो चुका है और अभी हवा भर देंगे इसमें। दोस्तों टायर इंस्टॉलेशन के बाद में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि व्हील बैलेंसिंग है ये काफ़ी मैंडेटरी प्रोसेस है। व्हील बैलेंसिंग हमेशा करना चाहिए जिससे आपके टायर बैलेंस रहेंगे तो काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो वेट डाल दिया है, ये व्हील है ये काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। तो इंस्टॉलेशन पार्ट जो है वो हो चुका है ख़त्म हमारे कार में। यहाँ पे देख सकते हो तीन ही जगह पे रीडिंग दिखा रहा है, फोर्थ पे नहीं दिख रहा है। नॉट टू वरी, ये थोड़ा चलाने के बाद में यहाँ पे भी
रीडिंग आ जाएगा। सो ये स्मॉल वन है, ये है फ्रंट के, जो ये बड़े नंबर्स है ये है रियर के। थोड़ा देर गाड़ी चलाने के बाद में ये अपडेटेड हो जाएगा। ये जो अभी दिख रहा है ये है टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर के बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर से वापस हो जाएगा 31। सो ये जो है टेम्परेचर ये नॉर्मल है, PSI प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे हमने TPMS का इंस्टॉलेशन कर दिया है, चारों व्हील्स में सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए हैं और ये जो है ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सुझाव है दोस्तों, तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसे आंसर करने का ट्राई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। बाजू में एक दोस्तों बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। टिल देन दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।